तो मेरे को फीवर आया, इसीलिए घर का सारा काम सोहेल कर रहे। तो क्या कर रहे हैं जी? कपड़े डालो। दूध ये भी आप? ओहो, खाना भी पकने आ गया। ये सुताने काम होने होना पड़ता है। घर के काम करना, बीवी का साथ देना, ये करने से कोई मिठा नहीं हो जाता। अपना मिठा बोलो, क्या भी बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का समीरा जैन व्लॉग्स में। मैडम बोले तो बहुत जान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीरा जैन व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है हमारे सोहेल साहब क्या कर रहे हैं वो मेरे को बताना था। बस मेरे को थोड़ा सा वायरल फीवर आ गया, तो मैं सोची कि आज का छोटा सा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि मेरे सास और मेरे ससुर जी के, मेरे मम्मी और पापा गए हैं विलेज के लिए कुछ काम के सिलसिले में। तो मेरे को फीवर आया, इसीलिए घर का सारा काम सोहेल कर रहे। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची कि एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ किस तरह सोहेल काम कर रहे हैं, मैं कैप्चर करूँ ये यादें, क्योंकि बहुत कम होते हैं ऐसे हस्बैंड जो अपनी वाइफ की खिदमत करते हैं, अपनी वाइफ की तबीयत ख़राब होने के टाइम पे उनका सारा काम वो कर देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़री भी चीज़ की मेरे को क्या बोलते, तकलीफ़ नहीं देते, कोई चीज़ का वो नहीं रहता, मतलब सारे काम कर लेते, अंदर का, घर का, बाहर का, सबका। तो आई एम सीरियसली लकी। तो थोड़ा सा फीवर है, इस वजह से मैं आज कुछ भी काम नहीं करी। तो चलिए देखते हैं सोहेल क्या कर रहे। कपड़े धो रहे थे उन्होंने, तो देखेंगे कैसा वॉश कर रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे हब्बी के पास। क्या कर रहे हैं जी? कपड़े डालो। धो दिए भी आप? हाँ धो दिया। हाथ से धोए? मशीन है ना हमारे पास, ऑटोमेटिक। अच्छा, हाथ से कैसा धोते हो जी? सोहेल तो मैं को जाके रेस्ट करो बोल के बोले, मैं आ गई रूम में। तो इसे कपड़े सुनने डाल रही हूँ ना, मैं तो बैठ जाती हूँ क्योंकि जाड़ा हो रहा, क्योंकि ये मौसम की वजह से क्या है, थोड़ा सा फीवर टाइप हो रहा था। हॉस्पिटल भी गई थी मैं, बट अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। देखते हैं नवाब साहब क्या कर रहे हैं आज। आ गए जी? हाँ जी। डाल दिए कपड़े रस्सी पे? हाँ पूरे डाल दिया। देखो चलो ज़रा लेट जाओ आप। कहाँ लेट ना, मम्मी को फोन करा था मैं। आ रहे थे मम्मी ला गाँव से। आ रहे थे? हाँ, अब देखो घर में तो सुबह में बनाए थे पर नाश्ता वगैरह, सडन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो खाना वगैरह पकाना पड़ता। मैं तो पका देती हूँ, ठीक हो गई थोड़ी तबीयत। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा अच्छा, आराम करो अब, खामोश में पका लेता हूँ जाके। पागल हो गए क्या आप? कैसा बनाते? अरे कैसा बनाते, मतलब आता है मेरे को बनाने। वैसे क्या बना रहे? दाल खाना। अच्छा, तुमको पसंद है ना? गाढ़ी दाल, जबरदस्त खिराख, ऐसा तीरते रहते हैं जीरे ऊपर, वो दाल बनाने वाला हूँ। तो आज का मेरा जो व्लॉग में ली वो मतलब सही जाने वाला है, इसका मतलब मैं सोची सिर्फ आप कपड़े धो रही तो मैं उसका ही व्लॉग बना लूं, लेकिन आज तो आप सारे काम कर रहे हैं जैसा दिख रहा। क्या करेंगे, देखो ना बीवी की खिदमत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते है, अब शायद ये व्लॉग बना रहे सो मेरे को मालूम भी नहीं तुम व्लॉग बना रहे बोल के, मिठा उठा बोलते है, अरे देखो मिठे कामा कर रहा वो कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी की खिदमत करने में कोई मिठे विठे नहीं हो जाते। घर के काम करना, बीवी का साथ देना, ये करने से कोई मिठा नहीं हो जाता। अपना मिठा बोलो, क्या भी बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। और जो भी कमेंट्स करके बोलेंगे उनकी डैश डैश डैश। लाइट लो जी। चलो वैसे मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कमेंट्स में, बोलने वाले बहुत बोलते, तो बस मैं आप दोनों मिलके आम खाएंगे, गुटलियां गिनना तो हमारे हेटर्स का काम है। अच्छा बनाओ। अब देखो हमारे मियाँ दाल खाना बना रहे हैं कहते, क्योंकि दाल खाने से जितना पेट मेरा भरता, तो मेरा फेवरेट भी वैसे दाल खाना, कड़क तलेवा गोश्त। अब मैं गोश्त तो खाती नहीं ज़्यादा, अब मैं बोली तो फिर उन्होंने वो भी करते, तो दाल खाना कैसा बना रहे हैं क्या कर रहे हैं मैं ज़रा वो भी कैप्चर करती हूँ। मैं बहुत सता ले रही हूँ मालूम सोहेल को, फिर भी कुछ भी नहीं बोलते, सारे काम कर लेते, बहुत ख्याल रख लेते मेरा। वैसे हम सीरियसली लकी। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं सोहेल।
क्या कर रहे हैं? नहीं जी, देखो दाल बना दिया, इधर चावल पकड़ा, तो ये दोनों हुआ। क्या ये वॉश कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उससे बाद थोड़ा एक से दो तीन सीटी होते कि गैस के बाद खोटना है। सही में आप पका रहे हैं तो डिलीवरी से हो रहा? ओहो, खाना भी पकने आ गया। ये सुताने सामा नहीं होना पूछते हो। खाना भी पकने आ गया तो बहुत गर्मा। तुम कहीं को आए फिर से फ्रेश करो बोले तो? ऐसी जी के अफसर करने आप कैसा काम कर रहे हैं बोल के? कैसा कर रहे हैं? देखो ऐसी जैसा आप करते हैं वैसे करता हूँ मैं। गुड गुड, कैरी ऑन, फिर आती हूँ मैं थोड़ी देर। आके खामोश लेट हो बोला। हाँ जी, जा रही हूँ। अब आपको तड़का दिए बस। सोहेल अरे जाओ भाई, सोहेल बोल जाता था आप तुम्हारे से। अच्छा ठीक है, जाके रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट। थोड़ा सा बुखार को ना इतना बड़ा कर रहे हैं सोहेल मियाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं को भी क्या है, रेस्ट कर रही हूँ मैं भी। वैसे क्या बोलूँ, अब दाल बना रहे हैं, कहते कैसी बनती है क्या है कि। वैसे तो उनके हाथ का कभी कभी खा लेती हूँ मैं, अच्छा ही रहता। अब दाल कैसी बनती नहीं मालूम, स्पेशली वो मेरे लिए बन रही, तो देखना है कैसा बनाते क्या करते। जब तक मैं क्या करूँ, मेरे को बोर हो रहा। लेकिन जब जब जाके सताते रहती हूँ मैं भी, फिर माही के ट्यूशन का टाइम भी होता, फिर उनको भेजना रहता, फिर माही आने के बाद हम दोनों बैठ के गपचप करते, फिर सोहेल मियाँ पकाते, फिर तब तक मम्मी भी आ जाते, समीर भी आ जाते, फिर उसके बाद हम खाना खाते, फिर उसके बाद बताती मैं आप सभी को कि टेस्ट कैसा दिखता। सोहेल पक गया खाना? अरे फिर आ गए तुम, क्या कर रहे? पिंच निकाल रहा हूँ। पिंच निकाल के उसके बाद दम को देता हूँ थोड़ा। दाल बन गई? नहीं नहीं बनी दाल, अभी सीटियाँ तो हो गए, उसको भी घोटना है। अच्छा, तुम कहीं को आ जा रहे जी, बार बार रेस्ट करो बोले तो। फिर ब्लॉग का मतलब ही क्या है, सब चीज़ हम बताना पड़ता ना। मैं ब्लॉग बनाऊँ? कौन बोले? मैं बोली। अच्छा ठीक है, बनाओ। मेरा दिल बोला इसलिए मैं बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं। हाँ बना रही हूँ, दिख रहा ना। ठीक है अब जाओ। चुप चुप जाओ जाओ, नको बोलो। मैं मेरे हिसाब से मैं कैप्चर करती, मेरे हिसाब से मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा नको फिर ऊपर। हाँ जरा अच्छा बनाओ, टेस्टी। सोहेल वो माही के ट्यूशन का टाइम हो रहा। अरे शक भूल गया, नहीं मैं माही को भी लेके आना, इसको रख दे के आके घोट लेता, क्या बोलते? ठीक है जल्दी जाके ले लेके माही को। हाँ ठीक है, चल जा रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं देखो हमारे शादी का व्लॉग देख रही हूँ, शादी की याद आ रही थी ऐसे ही बैठे बैठे। सोहेल गए माही को ट्यूशन से लाने के वास्ते। तो अभी आप लोग ये मत सोचो कि इन लोग स्क्रिप्टेड बना रहे हैं, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह हम लोग कितने प्यारे दिख रहे हैं, लगता है सोहेल आ गए शायद। आ गए आप माही, अस्सलाम वालेकुम। तो आगे सोहेल ट्यूशन से दाल इंतजार कर रही है आपकी। ठीक है मैं जब तक व्लॉग देखती हूँ शादी का। शादी का व्लॉग देखते हैं? हाँ। तो मैं तो व्लॉग देख रही थी हमारी शादी का, माही भी आ गए ट्यूशन से, फिर उसके बाद अब मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि सोहेल मियाँ कैसा दाल घोट रहे जरा देखना है, क्योंकि यार स्पेशल ब्लॉग है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है एंड पका रही हूँ, घर का सारा काम सोहेल मियाँ कर रहे, झाड़ू भी मारे मालूम, झाड़ू मारे, कपड़े धोए, बर्तन धोए, अब पका रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सता लेती हूँ ना सोहेल आपको, ऑफिस से आने के बाद भी ज़रा भी रेस्ट नहीं है। आज हमारे माँ भी बहुत थक गए, आज नहीं स्कूल खुले जब से थक गए। एक तो सुबह स्कूल जाना, फिर ट्यूशन, फिर अरब भी क्या पढ़े ट्यूशन में, ट्यूशन टीचर क्या बोले ऐसा, और क्या बोले, होमवर्क पूरा कर लिया? दो ही थे खाली। वैसे आज फ्राइडे स्पेशल, हमारे माही को हाफ डे रहता तो इसलिए शायद होमवर्क थोड़ा ही था। वैसे आप लोग को भी बोल रही हूँ मैं, स्कूल को डुम्मा नहीं मारना, चाहे हाफ डे रहे फुल डे रहे, स्कूल को बराबर जाना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा पढ़ना। हमारे माही भी बहुत अच्छा पढ़ते, लास्ट ईयर जो फर्स्ट में थे हमारे माही सेकेंड रैंक लाए थे, इस बार उन्होंने चैलेंज करे कि इस बार फर्स्ट रैंक लाते बोल के, नहीं माही। तो आप लोग भी पढ़िए एंड प्लीज़ आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोग बोलते, बहुत सारे लोग बोलते कि स्क्रिप्टेड है, पेट में बहुत भूख लग रही कहते माही के, मैंने चूबे पेट में दौड़ रहे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही। दाल खाना खुशबू तो अच्छी जा रही, अच्छी बनाते भैया, थोड़ी
ज्यादा नहीं खाया ना खाना। तो पकाते पकाते फोन में भी काम चल रहा बोलो। हाँ जरा देख लेना वो वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ ना, तो चेक करते रहना पड़ता जरा। जरा देखो मैं वो काम मैं करती हूँ आज, आपका आप मेरा काम करें तो आपका काम मैं कर देती हूँ, दे दीजिए। हाँ जान, वैसे तो काम हो रहा ही, वैसे भी अभी मम्मी लोग भी आए नहीं, इंतजार चल रहा, तब तक दाल भी पक जाती, खाना तो पक गया, इंशाल्लाह दाल भी पक जाती, मम्मी लोग आते कि क्या है जरा थक्के करके आते हो लोग, आने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद। अल्लाह आपके हाथ दबाऊं क्या मैं? अरे नहीं नक्कू, आप बैठ जाइए ना, आप कहीं कुछ नहीं नक्कू, प्लीज नक्कू जी भी। अरे नक्कू हाथ दबाती बोले तो नक्कू बोल रहे हैं आप। नक्कू जी देखो पहले चाप कम है जी, मेरे को फीवर देखो आप हाथ लगा के, ओवर था ये नहीं है ऐसा कुछ भी, कम है मेरे को फीवर। और बहुत सारे लोग बोलते कि स्क्रिप्टेड बनाते हम लोग व्लॉग ऐसा वैसा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा क्या कहना है, आप लोग को जो समझना है वो समझने दो, हमारा जो काम है हम तो वो करते रहेंगे, चाहे स्क्रिप्टेड समझो जो समझना है समझो, लेकिन हम जो भी है नेचुरल बताते, जो भी है क्लियरली बताते, ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता हम लोग का। और मेरे को ये बोलना है कि घर में आपके भी वाइफ रहते हैं, आपके मम्मी रहते हैं, बहन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, कुछ जिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं है जो मेरा मेरे हिस्से का काम करते, घर के काम करते, मेरा इतना ख्याल रखते। ये चीज़ को आप लोग बोलते कि मीठा हिजड़ा पता नहीं क्या क्या देते, लेकिन आप लोग को भी एक बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके भी घर में मम्मी है, पापा है, कुछ जेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मेरे हस्बैंड अकेले नहीं है दुनिया में, बहुत सारे से लोग हैं। और ऐसा काम करना कहाँ से हो जाता भाई, मतलब आप लोग सोचते कि औरतों के ऊपर रुआब जताना, औरतों के ऊपर हाथ उठाना, ऊंची आवाज़ में बात करना, उनको ग़ुलाम बना के रखना तो मर्दानगी है, तो लानत है वैसे मर्दानगी पे, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे मैं ये मेरी लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमारा कुछ अच्छा दिखता है वो कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग को अगर हमारा व्लॉग नहीं पसंद आ रहा, हम लोग पसंद नहीं आ रहे, तो भाई स्किप कर दो, देखो मत, बैड कमेंट्स करके क्यों अपने आप को आप बोले रहे जैसा है वो हम लोग को नहीं बोल रहे, और हम लोग को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या जी? सही बात है। तो मैं ना हम लोग एक ब्लॉग भी बना है कमेंट्स के ऊपर, बहुत जल्दी वो भी अपलोड होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग को कमेंट्स करके ऐसा वैसा ये वो चीज़ें बोले, तो हम लोग तो सोचे पहले इग्नोर कर देंगे, लेकिन सोचे कि उन लोग को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से भी एक ब्लॉग बन गया हमारा, बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग वो भी देखना। जो हमारे चाहने वाले उनको बोल रहे, हेटर्स को नहीं बोल रहे हम लोग। तो अब ये मेरी बातों को भी उल्टे कमेंट्स आते, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, आप लोग क्या करते कर लीजिए। अगर हमारे व्यूवर्स जो भी हमें चाहते हैं, अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंड थैंक यू। तो चलिए ब्लॉग इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, अभी मम्मी पापा भी आना है, समीर आना है, दाल घोटने की मतलब सीटी की आवाज़ आ रही है, चलो बुला रही जैसा है, चलो। सो है फिर से आ गई, मैं क्या कर रही हूँ वैसे? दाल घोट के बैठते ना, सॉरी घोट बैठ के घोटते ना जी, मेरे को खड़ा के ही घोटने आता, बैठ के घोटने नहीं आता। अच्छा बारीक हुई वैसे? देखो बारीक तो हो गई, और थोड़ी होना, माशाल्लाह और थोड़ी होना है, उसके बाद खुशबू तो जबरदस्त तारीफ तक। तो फ्रेंड्स मैं तो लेटी भी हूँ, सोहेल काम करते करते मम्मी का फोन आया नीचे, और बोल के आगे मम्मी और पापा, तो सोहेल पिकअप करने के वास्ते गए, थोड़ा गाँव से सामान लाए, क्यों नो गाँव के नेचुरल चीज़ें होती जैसे कि चावल दाल क्या रहते, तो वो सब लेकर आए शायद, इसीलिए सोहेल को नीचे बुलाए मम्मी और पापा, तो सोहेल लाने गए, तो चलो उन लोग भी टाइम पे आ गए, तो देखते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा था मम्मी सफ़र? अच्छा तो मैं बोली नहीं नेचुरल चीज़ें गाँव के, तो सोहेल घसीट के लेके जा रही, तो पापा कहाँ हैं? अच्छा ठीक है मम्मी, आप फ्रेश हो जाओ। हाँ। मम्मी भी आ गए, सोहेल मम्मी को भी ला लिए, और मम्मी फ्रेश होने गए, अब हमारे मियाँ किचन में गए, किचन में क्या कर रहे हैं जरा देखेंगे। बोलो फिर आ गए तुम? हाँ क्या कर रहे हैं? जीरा वाला तड़का दे रहा हूँ, हैदराबादी तड़का बोले समझ रहे? पक गई दाल? हाँ दाल तो पक गई, घोड़ भी दिए, इमली का खट्टा भी मत दिए, अब खाली गया इसके अंदर डालना। थोड़ी नींद लग गई थी मालूम, जरा लेट गई थी मैं।
अच्छा करे मैं तो बोला आप सो गए तो अच्छा है, वो तो थोड़ा सो के उठे तो और भी जल्दी तबीयत ठीक हो जाती है। चलो मम्मी लोग अभी आगे जल्दी बना, भूख लग रही। अब ये दाल खाना खाने के बाद पूरी तबीयत मस्त हो जाना आपकी। अच्छा जी। तो फाइनली दोस्तों खाना भी पक चुका है और दाल भी पक चुकी है हमारी हैदराबादी की राख जीरे का तड़का लगा के। तो खैर अभी मम्मी लोग अभी आए, मैं ही जाके लेके आए नीचे। लोग भी भूखे होंगे, वैसे भी खाना भी तो पक चुका है अपना, तो जाके दस्तर लगाते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं। आई डोंट नो दाल कैसी बनी होगी क्या नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम, बट मैं तो बना के देखा, चख के देखा, बहुत ज़बरदस्त थी। अब उन लोगों को कैसी लगती क्या नहीं मेरे को तो नहीं मालूम। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर। तो फाइनली दस्तर तो लग चुका है, मम्मी और पापा खाते फुल तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बना। आप लोग इशारों से तो समझ में आ रहा होगा, देखो ज़बरदस्त बना, किराक बना बोल के बोल रहे। और मैं भी गया था, बता रहा था समीरा को कैसी थी दाल बोल के, तो अच्छी है, ज़बरदस्त है बोल के बोल रहे। खा लिए बात, बर्तन भी अपन ही धो लिए, करे तो पूरा काम करना कहते, इसलिए बर्तन भी अपन ही धो लिए। फिर क्या है, समूह आके कैप्चर कर रहे थे, देखो इन्हों बर्तन भी धो रहे बोल के। खैर अपने को धोने तो आता नहीं, लेकिन एक बार मम्मी को धोते हुए देख लिए, जब से सीख गए अपन भी बर्तन धोना। इनको जाके रेस्ट करो बोले तो देखो बर्तन धो से देखो, हाय क्या धोते जी तुम बर्ताना बोल के गुल्लती लाना शुरू कर दिए, देख सकते हैं एकदम कल्ला दर्द हो गया था। माशाल्लाह दाल बहुत टेस्टी थी, बहुत गाढ़ी थी, जैसा हमारे मम्मी बनाते थे सेम वैसी बनाए सोहेल। मम्मी की बात नहीं आती पर टेस्ट बहुत अच्छा था, सब लोग भी खा रहे थे, मेरे को भी बहुत अच्छी दिखी। फिर सोहेल देखो बर्तन धो रहे हैं, शाम में कभी भी मम्मी मैं क्या करते थे, खाना खा के बर्तन धो लेते थे, तो मैं सर्दी में काम नहीं करना बल्कि सोहेल वो भी काम कर ले रहे हैं। अब रूम में आया, मैं जरा उनकी क्लास लेती हूँ। तो हमारे नवाब साहब देखो चाय भी बना के ला लिए, चाय लाया, थैंक यू। आज पूरा काम करे कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपका काम करके, बहुत अच्छा लगता, मैं तो बोलता हूँ ऐसा मौका रोज रोज मिलना सही में। लेकिन बदकिस्मती से रोज नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करता हूँ, और वैसे भी उन्होंने को काम करने नहीं देते। मैं और मम्मी कैसा फील करते होंगे, मतलब बहुत सारे, खैर चाय ठंडी होती बाद में बात करेंगे, पहले मैं चाय ले लेती हूँ।